ओके okay, आज हम देखते हैं सीएसएस में एक सिंपल सा वेब का लेआउट कैसे बनाएंगे। तो फाइल में जा रहे हैं, यहाँ से क्लोज फोल्डर कर रहे हैं, यहाँ से जाके हम फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से न्यू फाइल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्लोज एडिटर कर दिया, फाइल में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर कर दिया, और ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में गए और यहाँ से क्लिक किया। यहाँ से हम चले गए अपने एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है सुपर 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 वेब सी एस एस के फोल्डर में चले गए। यहाँ से सुपर के नाम से एक फोल्डर उसमें चले गए, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ एक लेआउट बना रहे हैं जिसमें हैडर, नेविगेशन और कुछ चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले हमने HTML के लिए एक न्यू फाइल ली, कंट्रोल एन करके उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद उसका नाम ने रखा वेब लेआउट डॉट HTML। लिखने के बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, एंटर किया, ये हमारे सामने आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सिंपल वेब लेआउट, सिंपल वेब लेआउट, ठीक है, यूजिंग CSS, CSS आगे लिख दिया। सेव करके नीचे आ गए। यहाँ से हमने क्लिक करके कुछ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे हेडर बनाने के लिए हेडर सेक्शन का इस्तेमाल कर लिया, नेविगेशन बनाने के लिए नेव का इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ से हमने नीचे कंटेंट बनाने के लिए एसाइड का इस्तेमाल कर लिया। ये सब HTML के ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, और फूटर बनाने के लिए फूटर का इस्तेमाल कर लिया। कुछ एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे हम लिख दिया दिस इज वेबसाइट हेडर, तो यहाँ पे हमने लिखा ये वेबसाइट का हेडर है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्लिक किया दिस इज नेविगेशन एरिया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्लिक किया एसाइट के अंदर दिस इज कंटेंट एरिया, और यहाँ से हमने क्लिक किया और लिख दिया दिस इज फूटर सेक्शन ऑफ आर वेबसाइट। तो हमने अपना HTML का काम कंप्लीट कर लिया। वेब ब्राउजर पे F5 दबाया, क्रोम खोला और यहाँ से जाके चेक किया, तो ये देखें कुछ इस तरह का बना हुआ आ रहा है। अब आते हैं इसके स्टाइल और थीम की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल एन दबाया, न्यू किया, सेव किया, और यहाँ पे हमने वेब थीम के नाम से अपनी फाइल को सेव किया .css की टाइप के साथ। ये हमारी CSS की टाइप आ गई। यहाँ पे सबसे पहले हमने बॉडी को एज अ सेलेक्टर बताया, फिर यहाँ पे हमने हेडर को एज अ सेलेक्टर बताया, फिर हमने यहाँ पर नेव को एज अ सेलेक्टर बताया, जो मतलब जितने भी एलिमेंट वहाँ बताए थे उन सबको यहाँ पे एज अ सेलेक्टर हम बताते जा रहे हैं। एस साइट को एज अ सेलेक्टर बताया, फूटर को एज अ सेलेक्टर बताया। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये सारे काम इस तरीके से कर लिए। इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब इस फाइल को इसके साथ लिंक करेंगे, तो यहाँ पर आ गए लिंक सेक्शन में। लिंक में आने के बाद यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया वेब थीम डॉट सी एस एस, और ये फाइल इसके साथ लिंक हो गई। अभी भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब फर्क पड़ना शुरू होगा। सबसे पहले हम यहाँ जा रहे हैं हेडर सेक्शन में, इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी हम जो यूज़ करेंगे वो हम लगा देते हैं। सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी हाइट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हाइट का एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इसका हाइट हम बता रहे हैं 400 पिक्सल। तो ये देखें हमारा हेडर सेक्शन जो है इसका हाइट 400 पिक्सल की हो गई, ठीक है। और यहाँ पर एक दोबारा से एक बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें नेविगेशन के लिए हम एक बैकग्राउंड यूज़ करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे इस तरह का ले लिया, और इसकी जो हाइट है वो हमने बता दी 50 पिक्सल। तो ये इसकी हाइट 50 पिक्सल इस तरह से हमें नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कॉन्टेंट एरिया के लिए। यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं जो कॉन्टेंट एरिया को डिफाइन करेगा बॉर्ड लेवर्ड के नाम से। और उसके बाद जो है क्लिक करके यहाँ पर इसकी हाइट को हम कर रहे हैं 800 पिक्सल के ऊपर डिफाइन। तो यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कुछ इस तरह से नजर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं फूटर सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर भी हम पहले इसकी एक बैकग्राउंड को डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हमने जो इसका बैकग्राउंड चूज किया है फिलहाल कोई समझ में नहीं आ रहा तो क्लिक कर दें, उसके बाद जो कलर आ जाए तो क्लिक करके यहाँ से अपनी मर्जी का बैकग्राउंड यहाँ पे बना लें, और उसको क्लिक करके यहाँ पे रख दें, इस पर क्लिक करें और इसकी हाइट डिफाइन कर दें 30 पिक्सल। तो यहाँ पे देखिए आपकी हाइट जो है यहाँ पे 30 पिक्सल डिफाइन हो जाएगी। ये हमारी वेबसाइट का हेडर सेक्शन बन गया, ये हमारा नेविगेशन हो गया, और ये हमारा हो गया कंटेंट एरिया, और ये आ गया हमारा फूटर सेक्शन, ठीक है। अब आती है पेज के मार्जिन की बात। देखिए हमारे लेफ्ट का, टॉप का, राइट का मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, और मार्जिन कंट्रोल होगा बॉडी से। तो बॉडी में जाके एक ही कमांड लिखेंगे मार्जिन 0 पिक्सल। इससे ये होगा कि आपके चारों तरफ का मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ये देखिए ये गैप ख़त्म हो जाएगा, सही है। और अगर बढ़ाना चाहें तो 0 के बजाय 1, 2, 3 पिक्सल जितना चाहें बना दें। ये मार्जिन प्रॉपर्टी हमने बॉडी में यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा फॉन्ट कलर की तरफ, कि भाई इसमें जो कलर है वो क्या नज़र आना चाहिए। तो फिर वो जैसे हमने लास्ट टाइम कलर प्रॉपर्टी सीखी थी कलर, और यहाँ पे हमने वाइट डिफाइन कर दिया,
तो ये देखिए टेक्स्ट में वाइट नजर आ जाएगा, और फिर जिसमें जैसा कलर आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो कलर का प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइट प्रॉपर्टी का काम आपको समझ में आया। अच्छा, विड्थ प्रॉपर्टी जब हम डिफाइन नहीं करते तो हर किसी की जो है वो विड्थ जो होती है वो ऑटो होती है। ऑटो का मतलब जितना बड़ा स्क्रीन पे हमारा वेब पेज खुलेगा उतनी हर एलिमेंट अपनी विड्थ ऑटो एडजस्ट करता चला जाएगा। अगर आपको अपनी विड्थ को किसी भी एरिया की एडजस्ट करना है तो जैसे हम वेब लेआउट में जाते हैं और यहाँ पर इसके अंदर एसाइट के अंदर जाके एक और एलिमेंट यूज़ करते हैं सेक्शन का। सेक्शन एलिमेंट यूज़ करके उसमें हम लिख देते हैं दिस इज अनदर सेक्शन, अनदर सेक्शन ऑफ कंटेंट एरिया। तो ये हमने डिफाइन कर दिया इसके अंदर। तो अब ये देखें इसके अंदर इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे सीएसएस में जाएंगे और सेक्शन को एज अ सेलेक्टर के तौर पे ले लेंगे। यहाँ इसकी बॉडी बनाएंगे, इसकी यहाँ पे हम विड्थ भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिक्स करेंगे। वैसे ऑटो होती है बाय डिफॉल्ट, फिक्स कैसे करते हैं वो देखें। यहाँ पे हमने इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर चूज किया जो कि इस तरह का सही रहेगा। इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो इस तरह का एक कलर डिफाइन किया। तो ये देखें इसका कलर नजर आया। उसके बाद इसकी हमने विड्थ भी डिफाइन कर दी सपोज टू बी 400 पिक्सल और इसकी हाइट भी डिफाइन कर दी सपोज 200 पिक्सल। तो देखें किस तरह का सेक्शन आपको क्रिएट हुआ हुआ नजर आएगा। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी टेक्स्ट डैश अलाइन प्रॉपर्टी भी आपने इस्तेमाल कर दी और उसको सेंटर पास कर दिया। तो ये देखें इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसका फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी भी यूज कर ली सपोज टू बी 30 पिक्सल्स पे। ये देखिए इस तरह से एक सेक्शन बना हुआ आपको नजर आएगा। समझ में आ रहे? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक वेबसाइट का लेआउट बना लिया। लेआउट मतलब स्ट्रक्चर थीम की मदद से, कि इसकी थीम भी हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। समझ में आ गई बात?